दीपावली से एक दिन पहले देश भर में छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। इस दिन का विशेष महत्व होता है, जहाँ इस दिन यमराज और श्री कृष्ण दोनों की आराधना की जाती है। आखिरकार इस दिन का क्या महत्व होता है, इस संबंध में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। देखिए, वैसे तो नरक चौदस जो कहा गया है, इसके तीन नाम कहे गए, एक तो नरक चौदस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा काली चौदस। काली चौदस, ये तीनों नाम इसके इसी दिन को कहे गए हैं, क्योंकि नरक चौदस, सबसे पहले तो नरक चौदस को समझें कि इसके दिन होता क्या है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जिसके कारण ये नरक चौदस के नाम से भी जानी जाती है। रूप चौदस, इस दिन हम जितनी भी महिलाएं रहती है अपने शरीर पर तेल उपटन आदि लगाती है, और वो उपटन लगाने का भाव ये रहता है कि हे प्रभु कृष्ण, आप जितने दिव्य सुंदर हैं, आप जितने दिव्य धारी हैं, उस दिव्यता का थोड़ा सा अंश अगर हमें भी प्रदान हो जाए, तो वो दिव्यता हर उस व्यक्ति के अंदर आती है, हर उस व्यक्ति के अंदर वो भाव जागृत होते हैं कि ताकि वो परमात्मा से जुड़ सके। और काली चौदस इसलिए भी कहा जाता है कि इस दिन नरक चौदस के नाम से भी कहा जाता है कि इस दिन आप यमराज जी के नाम से स्वयं का दीप दान करिए। इस दिन अगर आप अपना नाम से दीप दान लगाते हैं, यानी दीपक संध्या काल के समय आप द्वार पे लगाते हैं अपने, या घर में भी लगाते हैं, मगर यमराज जी के नाम से अगर तुलसी पर भी लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी हमारी अंतिम यात्राएं जब रहती है, जब हम लोग नरक की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सीधा स्वर्ग में जाए, क्योंकि इस संसार में हर कोई पापी है, तो पापी होने के कारण किसी न किसी को यम के मार्ग से होते हुए जाना पड़ेगा। तो उस मार्ग में हमें घोर अंधकार न सताए, इसलिए उस दिन यम का दीप दान किया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न हो और उस समय हमें दीप का प्रकाश प्रदान करे, जिस समय हमारी अंतिम यात्राएं चल रही हो। तो इसलिए इस दिन रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस का बड़ा विशेष महत्व रहता है। इस दिन उपटन तेल आदि लगाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, ताकि यमराज जी भी आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करें, क्योंकि यमराज जी की जितनी भी सेनाएं कही गई है, ज्वर, पीड़ा, व्याधि, ये जो शूल, विस्फोट, जो हमारे शरीर में सारी पीड़ाएं होती है, ये यमराज जी की सेना कही गई है। तो वो सेना हमें परेशान न करे, हमें हमेशा दीर्घायु प्रदान करे, इसलिए रूप चौदस के दिन ये विशेष महत्व से आप अपने जीवन में अपनाइए, तो आप देखेंगे आप भी हमेशा भगवान कृष्ण के तरह हमेशा स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। और भगवान कृष्ण जब उनकी पूर्ण अवस्था में भी 120 वर्ष की भी आयु के थे, तब भी 16 वर्ष के बालक दिखते थे। क्यों? वो इसी रीजन के कारण। जी पंडित जी, कहीं ना कहीं नरक चौदस के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी यही उपाय किए जा सकते हैं जो आपने बताए। देखिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय ये कहा गया है कि इस दिन जो है आप क्या कोई सा बड़ा दीपक ले लीजिए, जो पूरी रात जल सके। जी, है ना, उस दीपक को आप जला करके अपने द्वार पे रख दीजिए और उसको जलने दीजिए। जी, तो आप देखेंगे कि अगर वो सुबह तक जल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु से, अकाल मृत्यु व्याधि से उसका हरण हो जाता है, यानी उसको अकाल मृत्यु से मृत्यु प्राप्त नहीं होती, वो अपने जीवन में दीर्घ जीवी बनता है और दिव्य जीवी बनता है। जी,